अभी राइट हमने सेट करने हैं, बस इसके माउंट पॉइंट पे जाके हम इसको कह देते हैं इसके अंदर भाई ये जो अदर ग्रुप्स है ना उसको तुमने राइट्स की परमिशन नहीं देनी। ये राइट्स हैं कि ओनर को राइट्स हैं, ग्रुप को ये राइट्स हैं, लेकिन अदर्स वाले को, वो जो हमने ग्रुप बनाया वो नवीद का अदर्स में आता है, ठीक है ना, तो उसको राइट्स नहीं है कोई फाइल रख सके इसमें या कोई ख़त्म कर सके, ठीक है। सेव कर देना बस आपने, अब हमने डाटा तो रखा हुआ इसमें, ठीक है, अब हम इसको एक्सेस करते हैं। आपने क्लाइंट को इस तरीके से बना देना है, मैप ड्राइव, ठीक है, कोई लेटर जी कर लेना, कुछ भी कर लेना, आईपी लिख देना अपने सर्वर का, स्लैश आगे शेयर नेम, और इसको फिनिश कर देना। अब वो यूज़र नेम मांगेगा आगे, तो नवीद यूज़र नेम है, पासवर्ड 123 है, तो एक ही ग्रुप कर लेना सारे यूज़र बना के, उनको एक ही ग्रुप नवीद वाले ग्रुप में डाल देना, तो सबको एक जैसे राइट्स मिल जाएंगे, और नीचे ये रिमेंबर कर देना, ठीक है। अब हर दफ़ा वो यूज़र उससे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये कस्टमर की तरफ जा करना है। अब ये देखो ना, ये ऐसे ड्राइव बन जाएगी आपकी, ये इस तरह ड्राइव बन जाएगी आपकी, ठीक है, यानी कि एक ही कस्टमर पे कर देंगे तो सब पे चला जाएगा। नहीं जी नहीं, हर एक के ऊपर बारी बारी आपको जा करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो भी आपकी बन गई है। आप फर्ज करो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये नहीं करने देगा डिलीट आपको, एक्सेस डिनाइड, ठीक है। ये जो नवीद वाला यूज़र है, ये नॉर्मल यूज़र है, इसको राइट्स नहीं है कोई चीज़ क्लिक करने के, और ना ही ये डाल सकता है इसमें। ये देखो, मैं फ़र्ज़ करो ये कहता हूँ, ये रख लो भाई अपने पास, नहीं करने देगा, ना इन करने देगा ना आउट करने, इन डिलीट नहीं कर, आउट करने, ये इसको मैं चाहूँ कॉपी करके तो इसको मैं कर सकता हूँ, जो उन सी चीज़ मैं कॉपी करना चाहूँ वो कर लेगा, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ रखने नहीं देगा या उसको चेंज नहीं करने देगा। चेंज करने के लिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र करना है, अली वाला, ठीक है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर हमने बनाया। तो ये कहानी है इसकी भाई सारी की सारी, ठीक है। ये देख लो अब यूज़र ग्रुप, ये हमने व्हील ग्रुप जिसको दोगे, जिसकी आईडी व्हील ग्रुप होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, वो हर काम करेगा। जिसकी ये नवीद ग्रुप दोगे वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि नवीद को ग्रुप को राइट्स ही नहीं है। अब जितने यूज़र बनाने हैं, फ़र्ज़ करो मैंने अब एक और यूज़र बनाना है, इधर ही बना देना, उसको भी नवीद ग्रुप में डाल देना। फर्ज करो मैं हसन बना लेता हूँ, हुसैन बना लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड में कुछ भी इसका टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और इधर से ये ग्रुप खोलकर नवीद वाला आपने दे देना, ठीक है, बस ये नवीद वाला ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये नॉर्मल यूज़र आपके बन रहे हैं, तो आपके जितने क्लाइंट हैं उनको आप हर एक को आप यूज़र बना दो, तो यूज़र नेम के साथ चलेंगे, ठीक हो गया काम। यानी कि अगर उनका माइक्रोटिक वाला यूज़र नेम पासवर्ड, हाँ वही इधर बना दो, वही चलेंगे। और इसका यूज़र नेम पासवर्ड कैसे चेंज करना, इसके अंदर जाकर। अच्छा, ये FTP जो है ये सेम इसी तरह उनका भी काम है? हाँ वो भी ऐसा ही काम है, तो ये इसके अंदर ही आपने उसका पासवर्ड चेंज करना है, वो इसके अंदर ही आपने चेंज करना आकर, ठीक है। अच्छा, बाकी ये कुछ और सर्वर्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये हमने यहाँ पे किया था, ये बस टिक हमने हटाया था यहाँ पे, हाँ वो भी बता देता हूँ, वो इधर होगा एडवांस में आओगे, कंसोल मेन्यू इसका डिसेबल करना हो, अनेबल कंसोल मेन्यू, मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है इसके जरिए, चलिए एडवांस ईमेल प्रॉक्सी स्वैप
स्वैप पार्टीशन अभी ऑन नहीं किया, अगर ऑन करना चाहते तो ऑन कर दो, वो भी वो कर लेगा। अच्छा यहाँ पे होती है इसका है, चलो देख लेते हैं चटना पैकेजेस। ये इसका बैकअप एंड रिस्टोर है, ठीक है। यूज़र नेम भी बता दो। बैकअप आप इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया आपने वो आप उसका उसको डाउनलोड कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो उसका। तो ये एक एग्जामल फाइल रखेगा, जब आपको कोई मसला हो गया आपने इसको उठा के रिस्टोर कर देना। तो यहाँ पे चूज़ फाइल करोगे, रिस्टोर का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे करोगे तो वो फाइल नेम पूछेगा, फिर रिस्टोर का बटन प्रेस कर देना। तो इस तरीके से है इसका, इसको मैं आपको बता देता हूँ किधर है। जो हेडमन वाला है वो इधर नहीं आता। अब इसका तो आप कर सकते हो ना, ये जो अली वाला है इसका इसका तो आप चेंज कर सकते हो ना यहाँ से, ठीक है। और वो एडमिन होता है और तरह का सिस्टम। अब देख रहे हो ये आपकी दूसरी हार्ड डिस्क है जो कि फिलअप हो रही है, ये पहली वाली हार्ड है। ये इसका डैशबोर्ड है इसका, यहाँ पे ये बताता है कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसके अंदर, उतना मिनट हो गया इसको चला गया। ये सर्विसेज है इसकी, इस वक्त ये सर्विस चल रही है इसकी बैक एंड के ऊपर जो कि फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ हो रही है विंडोज।